हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लाइट की जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि पार्टिकल नेचर साथ में वेव नेचर। जैसे सबसे पहले हम यदि एक नजर डालें पीछे के चैप्टर्स पे, तो आपने रे ऑप्टिक्स में कहा था न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, है ना? कौन सी थ्योरी थी न्यूटन की? न्यूटन ने दी थी कॉप्लर थ्योरी, है ना? ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है एवरी पार्टिकल इज मेड बाय लाइट इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल एंड स्मॉल एवरी पार्टिकल हैज देयर ऑन काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू दैट एनर्जी दे ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रे। ये कहा, यानी इस थ्योरी में लाइट को क्या लिया गया है? पार्टिकल लिया गया है। लाइट की नेचर कैसी नेचर बताई गई है? पार्टिकल नेचर, यानी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है और उन पार्टिकल्स की खुद की एनर्जी होती है, जिस एनर्जी के कारण वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, और उस स्ट्रेट लाइन को क्या नाम दिया गया? रे नाम दिया गया। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली किसको एक्सप्लेन कर पाई थी? रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाई थी, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाई थी। लेकिन ये थ्योरी है कि इनको तो एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, इनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो जिसके चलते नई जो थ्योरी है 1678 में हाइगन ने प्रपोज्ड की, उस थ्योरी में क्या बोला उन्होंने कि नहीं, उसकी नेचर कैसी है? वेव नेचर है। जैसे आप ये जानते हैं कि जैसे फिंगर है और इससे यहाँ लाइट गिराते हैं आप, है ना, फ्लैश लाइट गिराने पे वो लाइट इसके चारों ओर क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। आपको ये लगता है कि ये फिंगर है और वो आपको ये लगता है कि ट्रांसपेरेंट है, रियल में ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि लाइट ही इसके चारों ओर क्या हो गई है? बेंड हो गई है। उसको हमने डिफ्रेक्शन नाम दिया था। तो डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ये पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इन फिनोमिनाज को समझने के लिए लाइट को क्या बोला गया? वेव बोला गया, और हाइगन ने वेव थ्योरी कही थी लाइट की, है ना, ये दी गई थी हाइगन ने। कौन सी थ्योरी दी थी? वेव थ्योरी दी थी, है ना, वेव थ्योरी, हाइगन की वेव थ्योरी है, वो इनको समझाने में कामयाब रही। लेकिन ये थ्योरी जाकर के कहां फेल हो गई? ये जैसे अभी आपके है नहीं, जैसे रमन इफेक्ट है, है ना, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, रमन इफेक्ट हो गया। अभी आपने पढ़ा है कौन सा इफेक्ट इस चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनको समझाने में ये थ्योरी फेल हो गई। कौन सी थ्योरी? हाइगन की वेव थ्योरी। तो इसके लिए जो नई थ्योरी प्रपोज की गई मैक्सवेल प्लांक ने, उनमें लाइट को क्या माना? फोटोन माना ना, कि फोटोन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बना हुआ है, है ना, और उनको क्या नाम दिया? क्वांटा या फोटोन, है ना, ये कहा गया। तो ये थ्योरी बेसिकली क्यों दी गई थी? क्योंकि वेव थ्योरी है वो इनको नहीं समझा पा रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पा रही थी, तो ये फोटोन वाली थ्योरी यानी क्वांटम थ्योरी दी गई। अच्छा, ये जो क्वांटम थ्योरी है ये आपने देख लिया, क्वांटम थ्योरी में लाइट को क्या माना गया है? फोटोन माना गया है। फोटोन रियल में क्या होता है? वो पार्टिकल जिसका रेस्ट मास क्या हो? जीरो। यानी फोटोन को एक पार्टिकल माना गया है और वो पार्टिकल माना गया है जिसका रेस्ट मास क्या हो? जीरो हो। तो अब इन एग्जाम्पल्स में हमें देखने को ये लग रहा है कि जो लाइट है कुछ फिनोमिनाज में, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, तो वो किसकी तरह से बिहेव करता है? वेव की तरह से। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में और कुछ फिनोमिनाज में वो किसकी तरह बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह से। तो क्या कहें, उसको क्या बोलें? क्या लाइट को वेव कहना उचित रहेगा? क्या लाइट को पार्टिकल कहना उचित रहेगा? यदि आप पार्टिकल बोल देते हैं तो आप इन फिनोमिनाज को नहीं समझ सकते, और यदि आप वेव बोल देते हैं तो इनको आप नहीं समझ सकते। तो लाइट के बारे में प्रेजेंटली जो थ्योरी चल रही है वो दोनों ही मान रहे हैं हम कि उसकी नेचर क्या है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है।
ऐसी नेचर को बोला जाता है ड्यूबल नेचर। तो प्रेजेंटली हम जो लाइट की नेचर है वो कैसी नेचर मान रहे हैं, ड्यूबल नेचर। ड्यूबल नेचर कौन सी, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। हाँ, सभी सेम एक्सपेरिमेंट में दोनों नेचर शो नहीं करता, या तो किसी एक्सपेरिमेंट में वो कौन सी नेचर शो करता है वेव नेचर, और किसी में वो कौन सी नेचर परफॉर्म करता है पार्टिकल नेचर। तो ये सारी की सारी इन बातों से आपके माइंड में ये फीड हो गया है कि लाइट की जो नेचर है वो कैसी नेचर है, आपकी ड्यूबल नेचर। ड्यूबल नेचर का मतलब कौन सी, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डी ब्रॉय है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने डी ब्रॉय कहते हैं इसको, डी ब्रोगली नाम था, डी ब्रॉय भी बोल देते हैं इन्होंने, लुइस डी ब्रॉय, लुइस डी ब्रोगली, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। इनकी हाइपोथेसिस क्या होता है, जिस तरह से लाइट की नेचर वेव नेचर थी और वेव नेचर वाला वो किसकी तरह से बिहेव करता था, पार्टिकल की तरह से, इस तरह से मटेरियल पार्टिकल और मूविंग मटेरियल पार्टिकल है उनकी नेचर भी कैसी होनी चाहिए, वेव नेचर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जो पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, इनकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर। और यदि वो मोशन में है, मूविंग में है, तो उनकी भी नेचर कैसी होनी चाहिए, ड्यूअल होनी चाहिए। ड्यूअल का मतलब पार्टिकल के साथ साथ कैसी नेचर होनी चाहिए, वेव नेचर भी होनी चाहिए। ये बात किन्होंने क्या कहा, डी ब्रोगली ने। तो इसको बोला जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। तो हम लिख लेते हैं इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस that material particles like कौन कौन से, proton, electron, है ना, alpha particle, ये आ गए आपके alpha particle, है ना, कैसे, the moving material, is the moving material particles like this, है ना, may exhibit wave aspect, है ना। इनका जो नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर के साथ साथ में वो कौन सा नेचर भी शो करना चाहिए, अपना वेव नेचर भी शो करना चाहिए। या फिर हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल, है ना, मूविंग मटेरियल पार्टिकल बिहेव्स एज ए वेव, एंड द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल या मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स, एंड इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। बात करेंगे अपन इसकी इक्वेशन की, सीधी सी बात है, आप इसको इतना ध्यान रखो, अकॉर्डिंगली ए मूविंग पार्टिकल, यानी इसके अकॉर्डिंग ये ध्यान रखिए, अकॉर्डिंगली ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल बिहेव्स एज वेव। क्या, इसके अकॉर्डिंग ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल बिहेव्स एज ए वेव, है ना।
अकॉर्डिंगली ए मूविंग पार्टिकल मटीरियल पार्टिकल बिहेव्स एज ए वेव। ये बात किन्होंने कहा? डी ब्रोगली ने कहा, है ना। जैसे पार्टिकल है उसकी नेचर कैसी नेचर होनी चाहिए? वेव नेचर होनी चाहिए। और उस पार्टिकल से जो एसोसिएटेड वेव्स है, है ना, उस वेव को क्या बोला जाता है? डी ब्रोगली वेव। और उसकी जो वेवलेंथ है उसको बोला जाता है क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन की, है ना। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। देखो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन निकालने के लिए देखो, आपने ये पढ़ा E इज इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर, है ना, एंड ये भी पढ़ा आपने क्या? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। दोनों बातें आप जानते हैं, है ना। आइंस्टीन का ये इक्वेशन पढ़ा, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और E इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच इंटू न्यू। अब इन दोनों को यदि इक्वल लिख देते हैं आप, तो ये क्या बन जाएगा? एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू। या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? देखिए इसको लिखा जा सकता है, मैं इधर लिख दूं क्या? न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। ध्यान है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी होती है। ये न्यू है, वी वेलोसिटी ना समझ जाना आप इसको, वो क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहां से ये यदि यहां काम में लेते हैं तो ये आ जाएगा एच सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच इंटू सी बाई लैम्डा। और ये देखिए एक सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, और एम इंटू सी क्या होता है? वैसे मोमेंटम, इसको इधर ले जाइए, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम इंटू सी, या एम इंटू सी, है ना, मास इंटू, देखो ये एम इंटू सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये एच डिवाइडेड बाय मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, है ना। तो ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेव लेंथ निकालने का। एज प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है, पी क्या होगा? मोमेंटम होगा, है ना, ये फॉर्मूला आ गया। अब आप ये देख रहे हैं, ये देखो, ये पी को एम इंटू वी भी तो लिख सकते हैं, एम इंटू वी। इसमें आप देख रहे हैं ये लैम्डा है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल की या वेव की? वेव की। वेवलेंथ किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेव की। और ये है मोमेंटम, पी तो है, मोमेंटम किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? पार्टिकल की। इसमें दोनों आ रहे हैं ना, यहां ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वेव की। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? एम इंटू सी यानी मास इंटू वेलोसिटी, या एम इंटू वी, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ध्यान रखो, मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, एंड लैम्डा यानी वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो इसमें दोनों ही आ रहे हैं ना, ये तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वेवलेंथ की। और मोमेंटम किसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है? पार्टिकल की। ये बात ध्यान रह जाएगा, पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल बिहेव्स एज ए वेव, हम ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल जो भी है, एंड द वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, एंड इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी गिवन बाय लैम्डा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय एम इनटू सी, है ना, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसकी कंक्लूजन है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ध्यान रह जाएगी ना, ये मूविंग मटीरियल पार्टिकल बिहेव्स एज ए वेव,
और फॉर्मूला क्या होता है उसकी वेवलेंथ का, एच डिवाइडेड बाई एम इंटू सी। अब देखो हम बात करते हैं, देखिए यहां पे कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो आया है लैम्डा इज इक्वल्स टू, यदि आप ये कहें कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय पी या लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय एम इनटू सी कह दो या एम इनटू बी कह दो, बात एक ही है, वेलोसिटी है ये हर। अब यहां पे आप ये देख रहे हैं कि वेवलेंथ है दैट विल बी, है ना, या फिर इसको ये भी तो लिख सकते हैं दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, है ना। यानी यहां से इसमें जो कंक्लूजन निकल रहे हैं, है ना, यहां जो कंक्लूजन निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं, पॉइंट्स हम लिख सकते हैं बना करके। एक तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। सेकंड यदि आप कहें, ये देखिए यदि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, यानी पार्टिकल मूविंग नहीं, वेलोसिटी ही जीरो है तो पार्टिकल मूविंग नहीं हुआ ना, यानी आपने कहा इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, है ना, यानी बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तब उस केस में ये देखो जीरो एच को जीरो से डिवाइड करेंगे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो बहुत ज्यादा, वेवलेंथ फाइनाइट नहीं है, निश्चित नहीं है, क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव्स जो है डी ब्रोगली वेव केवल और केवल उन्हीं पार्टिकल्स से एसोसिएटेड होती है जो कि क्या हो, मूविंग हो, यानी जिनकी वेलोसिटी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका इट मींस डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल का क्या होना जरूरी है, मूव होना जरूरी है, मूविंग पार्टिकल के लिए ही एसोसिएटेड होती है, ये बात ध्यान में रह जाएगी ना, क्योंकि मूविंग यदि पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और वेलोसिटी जीरो आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो पार्टिकल क्या होने चाहिए, मूविंग होने चाहिए, तभी डी ब्रोगली वेवलेंथ उसी से क्या होगी, एसोसिएटेड होगी। थर्ड में आप ये देखें, क्या यहां किसी पार्टिकल के पास चार्ज होना जरूरी है, यदि किसी पार्टिकल के पास चार्ज नहीं है तब भी उसकी क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी। तो टू बी एसोसिएटेड अगला हम लिख सकते हैं, यानी चार्ज का होना कोई जरूरी नहीं है, है ना, टू बी एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव लेंथ, द मटीरियल नॉट नीड हैव चार्ज, है ना, उसके पास में चार्ज का होना जरूरी नहीं है, और चार्ज का होना जरूरी नहीं है इसीलिए दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मैटर वेव्स। इनको हम कौन सी वेव भी बोलते हैं, मैटर वेव्स भी बोलते हैं। चार्ज का होना जरूरी नहीं है, यदि चार्ज का होना जरूरी नहीं है का मतलब है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन पे तो चार्ज होता है, क्या न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन मूव कर रहा है, वो मोशन में है, तो क्या उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, न्यूट्रॉन की भी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो सकती है, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है। हमारे फॉर्मूला में चार्ज का कोई रोल था ही नहीं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इनटू वी, यही था ना, मास ही तो होना चाहिए था, है ना, मटेरियल का वैसे भी मास होता है। अच्छा, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है एसोसिएट होने के लिए इनकी जो नेचर है, डी ब्रोगली
वेव्स की जो नेचर है, फोर्थ पॉइंट, द नेचर ऑफ डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटिंग चार्ज, है ना. दीज आर, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किससे एसोसिएटेड होती हैं? एक्सेलरेटिंग चार्ज से. एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या आप प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए क्या होना जरूरी नहीं है? चार्ज का होना जरूरी नहीं है. इसलिए इनकी नेचर कैसी नहीं हो सकती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं हो सकती है. ये बात ध्यान में रह जाएंगी. तो ये थी, अब हम देखेंगे कुछ पार्टिकल्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, है ना. अच्छा एक बात बता दूं आपको, यदि ये कह दिया जाए टेबल टेनिस की बॉल है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए, क्या आप उस डी ब्रोगली वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं? आपने कहा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इनटू वी, एच की वैल्यू आपने रखी 6.63 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34. जैसे मान लीजिए टेबल टेनिस है, उसकी बॉल का मास जैसे 10 ग्राम है, तो रखा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी में बदल लिया. वेलोसिटी जैसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो 10 रखा, तो ये जो वैल्यू है और वो क्या आएगी? बहुत ज्यादा आएगी या बहुत कम आएगी? वेरी स्मॉल आएगी. और इतनी स्मॉल आएगी कि इतना कम वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास अपरेटस ही नहीं है, हम उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे, है ना. लेकिन हम अभी बात करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. उनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था वो वेरी स्मॉल नहीं आएगी. स्मॉल तो होती है लेकिन इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल है ना. तो अब हम बात करने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन. नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद डिफरेंट मैटर पार्टिकल्स. डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद डिफरेंट मैटर पार्टिकल्स, है ना. यहां फॉर्मूला देखेंगे हम कि डिफरेंट मैटर पार्टिकल्स जो एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए. देखो वेवलेंथ का पहले मैं चार्ज पार्टिकल की बात कर लेता हूं. फॉर चार्ज पार्टिकल्स यानी जिन पार्टिकल्स के पास चार्ज है, पार्टिकल मास तो होगा ही, है ना. तो पहले हम बात कर रहे हैं किसके लिए? चार्ज पार्टिकल्स की. जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स. इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. तो आप ये जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपके पास आया था एच डिवाइडेड बाई पी या एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी. अब मैं ये बता देता हूं कि P और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है. देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के लिए K है, E नहीं लिख रहा मैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाएंगे. इसलिए काइनेटिक एनर्जी का मैं यहां लिखने के लिए बता रहा हूं, ये नहीं लिखना आपको. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या 1/2 mv² ये था, या काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते 1/2 m, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? देखिए 1/2 m m इंटू वी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए यहां से m इंटू वी क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा था ना मोमेंटम. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम यानी p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, या फिर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m के
या फिर P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट के, जहां पे काइनेटिक एनर्जी है, के फिर कह रहा हूं क्या है, एनर्जी है, है ना, या चाहे तो आप E लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहां हम ये लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2mK, वेयर K इज एनर्जी, है ना, वेयर, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2mK, वेयर K इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है K, K का मतलब यहां कैपिटल K लिख दो, आप कहीं बोल्टमान कांस्टेंट मत समझ जाना, K क्या है यहां पे, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी कहां से मिलती है, ये मैंने ये इसीलिए बताया ये लिखने के लिए, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी कहां से मिलती है, V से मिलती है ना, फॉर चार्ज पार्टिकल, है ना, एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी हो या हम कहें एनर्जी, एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये V है, वेलोसिटी वाला V नहीं है, ये वोल्टेज वाला V है भाई, वर्क का यही फॉर्मूला आया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क की एनर्जी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, तो ये ही एनर्जी है, ये जो के है ये एनर्जी ही तो है, आप इससे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही तो है, ये के एनर्जी है, तो इसलिए आपके पास में ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, एच डिवाइडेड बाय 2m, है ना, और इनटू एनर्जी की जगह पे क्या आ जाएगा, Q इंटू वी, वी जहां पे पोटेंशियल है। अब देखो आप लैम्डा इज इक्वल्स टू एच रूट 2mQ इंटू रूट वी ये लिख सकते हैं आप, V जहां पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, वो वोल्टेज जो आप अप्लाई करोगे उसको, ये बात समझ में आ गई। अब फोर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो उसके लिए लैम्डा ई लगा देंगे, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि हम अल्फा वर्ड प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहां मास ऑफ प्रोटॉन और यहां चार्ज ऑन प्रोटॉन, यदि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी निकालेंगे, ड्यूट्रॉन की निकालेंगे तो यहां मास ऑफ ड्यूट्रॉन और यहां चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, यदि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी निकालें, हम अल्फा पार्टिकल की निकालें तो यहां मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और यहां चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां इतना लिखने के बाद में अब हम लिख लेंगे क्या, फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, ये फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ए में हम लिखेंगे क्या, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ही तो है, है ना, लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन के लिए यहां क्या लगा देंगे आप, ई लगा देंगे, लैम्डा यानी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, एच, ये तो फिक्स ही होगा चाहे कुछ भी हो, है ना, ये होगा टू, यहां होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई ही होता ना, ये ई मल्टीप्लाई मत कर देना, ये बता रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, है ना, इनटू अंडर रूट वी। अब ये सारी वैल्यू जो है फिक्स है, ये कितनी होती है, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, है ना, ये 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये क्या बच गया आपके पास, रूट वी बच गए। अब ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ये वाली, ये तो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, फिक्स कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करने पर हम पाते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये आती है 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और डिवाइडेड बाय रूट वी। अब यूनिट क्या होनी चाहिए यहां पे, मीटर, और जैसे ही हम इसको 10 की पावर माइनस 10 को हटाएंगे तो मीटर ना लिख करके इसको क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम, है
है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी 12.27 डिवाइडेड बाय रूट बी एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, आप बीएससी में एक सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया था लास्ट ईयर, क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए जबकि उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट। कुछ नहीं करना था, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी बी की वैल्यू 100 दे रखी थी, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखनी थी। क्या कहा था क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, यानी बी की जगह 100 लिखना था बस, और इस फॉर्मूला में कैलकुलेट करना था वो क्या आ जाएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। अब हम अगला, जैसे बी में हम निकाल लेते हैं किसके लिए, बी में इलेक्ट्रॉन के बाद में हम इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखेंगे आप, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है इसको अच्छे से, फॉर है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया, प्रोटोन, प्रोटोन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटोन के लिए जो यहां फॉर्मूला आया था उसी की बात कर रहे हैं आप, उस फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, देखो यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लेंगे, मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन उतना ही होता है जितना चार्ज किसपे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, मास, चार्ज क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखो मास ऑफ क्या चेंज हो जाएगा, प्रोटोन, प्रोटोन का मास ज्यादा होता है ना 1.67 इंटू 10^-27। ये जो कैलकुलेशन है वो भी क्या है, एक फिक्स कैलकुलेशन है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है क्या 0.286 इंटू 10^-10, है ना, 10^-10 हम लिखते ही नहीं है, फिर डायरेक्ट ही क्या लिख देते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं, तो इस 10^-10 को नहीं लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इतना एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वेवलेंथ है, और किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, प्रोटॉन की, तो लैम्डा क्या लगा दे यहां, पी, है ना, प्रोटॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या होगी, ये होगी, ये ध्यान रह जाएगा, बहुत ही इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह से हम किसके निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं ड्यूट्रॉन की, है ना, अगला जैसे मैंने पार्टिकल ले लिया किसके लिए, फॉर ड्यूट्रॉन, है ना, फॉर ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए देखो इसको मैं रिमूव ही कर रहा हूं, ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, चार्ज ही है ना, अच्छा यहां पे क्या लिया जाएगा, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, यानी मैं लिख लेता हूं चार्ज यानी क्यू ऑन ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, है ना, ये अब देखो H डिवाइडेड बाय 2, मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन के मास का डबल, है ना, तो इसको तो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज इस पर कितना होता है, जितना चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पर, यानी इस पे E इंटू रूट वी। ये वैल्यू हम लिखें, सारी की सारी वैल्यू देखिए 6.63 इंटू 10^-34 यही था ना प्लैंक कांस्टेंट, 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67 इंटू 10^-27 केजी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10^-19, है ना, इंटू ये अलग है रूट वी। तो ये जो कैलकुलेशन, ये भी एक स्टैंडर्ड और फिक्स कैलकुलेशन है जिसको हम याद रख सकते हैं, ये जो वैल्यू है ड्यूट्रॉन के लिए आएगी, ये आएगी 0.020, है ना, ये तो, और डिवाइडेड बाय क्या होगा रूट वी, है ना, ये है ड्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
इसी तरह से हम किसके लिए निकाल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, कि अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगी। डी में हम लिख रहे हैं सारे के सारे कौन से पार्टिकल चल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं फॉर अल्फा पार्टिकल है। तो यहां पे अल्फा पार्टिकल्स के लिए आप निकालने लग गए, तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या लिया जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये तो वो भी है ही वोल्टेज है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल रियल में क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस यानी हीलियम के एटम से कौन गायब हो जाए, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए। भाई एटम से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे तो दो तो क्या बचेंगे, प्रोटॉन, और दो ही क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास तो लगभग क्या होता है, सेम, यानी प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है, सेम। न्यूक्लियर फिजिक्स में बताऊंगा मैं आपको है ना, दोनों का मास लगभग क्या होता है, सेम। इन पे कोई चार्ज होता नहीं है, और इस पे एक पे चार्ज ई होता है, तो दो है तो कितना चार्ज होगा, टू ई। ये तो चार्ज है और मास कितना होगा, एक, दो प्रोटॉन है और दो ही न्यूट्रॉन, तो कितना टाइम्स हो जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मास लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो आप समझ गए अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब होता है हीलियम के एटम से इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर कर देते हो तो बचा वो क्या बचा, हीलियम का न्यूक्लियस, क्या बचता उसमें, दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन। तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एज डिवाइडेड बाई टू इंटू मास, कितना होगा इसका, फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन। चार्ज कितना होता है, टू टाइम्स ऑफ, ये चार्ज लिखा है मैंने क्यू है ना, टू टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन, प्लस का होता है इसमें, इंटू रूट वी, यहां तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हम। अब ये वैल्यू सारी की सारी हम रखते हैं, ये वैल्यू रखने के बाद में देखिए आप है ना, जैसे 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है ना, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 4 अगेन आ गए मास, ये तो 4 हो ही गया, इंटू 2 आ गया, इंटू ई, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2 ई हो गया अंडर रूट बी। ये भी एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है हन, ये जो कैलकुलेशन है ये फिक्स कैलकुलेशन है, इसकी वैल्यू होती है 0.101 है ना, 0.101। तो ये किसका आ गया है, अल्फा का ना, वेवलेंथ हो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा, और ये वैल्यू कितनी बताई आपने, 0.101 डिवाइडेड बाय क्या बच गया, रूट वी। और ये सारे की सारे कैलकुलेशंस मैं मीटर में नहीं कर रहा, किसमें कर रहा हूं, एंगस्ट्रॉन्ग में। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सारे के सारे, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, सारे के सारे क्या थे, चार्ज पार्टिकल्स थे। चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी किससे मिलती है, वी से, और न्यूट्रल है उनको किससे मिलती है, टेम्परेचर से। तो अब हम निकालेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रल पार्टिकल्स। मैंने बताया था ना कि इनके लिए जरूरी नहीं है कि पार्टिकल पे चार्ज हो, चार्ज नहीं है उसकी भी क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, उसमें मैंने लिखवाया था कि जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज हो उसी की डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। जो न्यूट्रल है उसकी भी क्या हो सकती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो सकती है। अब देखिए यहां, फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन है ना। अच्छा, आपके पास ये आया था वेवलेंथ का फॉर्मूला h डिवाइडेड बाय p, या
इसको लिखा था आपने क्या, एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टू एम, और ये काइनेटिक एनर्जी थी, मैं के ई लिख देता हूं या के डॉट लगा देता हूं, काइनेटिक एनर्जी है कैपिटल के। अच्छा, अब आप यहां ये सोच के देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, ये जो है जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया, के से रिप्रेजेंट कर रखा है, मैं ऐसे लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी, जिसको आपने कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया है, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स की कितनी होती है, 3/2 के, है ना, के कौन सा के, ये बोल्ट्जमान वाला, और टी क्या है, टेम्परेचर, यही होती है। इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वेवलेंथ को क्या, एच डिवाइडेड बाय क्या लिखें, 2 × मास × काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, ये कैपिटल के है काइनेटिक एनर्जी के लिए, है ना, 3/2 × के टी। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, 2 m k t, के जहां पे कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल में कौन सा है, हम जानते न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है फॉर न्यूट्रॉन, है ना, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या होगा, एच डिवाइडेड बाई, देखो 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये तो फिक्स हो गई, इनटू इसको लिख दे अपन रूट टी। अब देखो ये हो जाएगा एन है, ये एन का मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, एच की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू फिक्स है, के की जो वैल्यू है ना बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²³ जूल इंटू केल्विन, जूल पर केल्विन, है ना, ये होती है। अब देखो यहां ये आ जाएगा लैम्डा एन इज इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू कितनी, 6.63 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, वही होता है लगभग जितना मास किसका, प्रोटॉन का, है ना, लगभग उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का, वो कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁷ केजी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में बताऊंगा मैं, है ना, वहां सब बातें याद हो जाएंगी ये। और उसके बाद में देखो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.38 × 10⁻²³ √T, ये देखो ये रूट में अलग है, √T। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, एक फिक्स कैलकुलेशन है, इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है एंगस्ट्रॉम में, बता रहा हूं आपको, 25.2, है ना, और ये डिवाइडेड बाय √T, और किसमें, एंगस्ट्रॉम। देखो ध्यान ये रखना है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स को एनर्जी वोल्टेज से नहीं मिलती, किससे मिलती है, टेम्परेचर से, और चार्ज पार्टिकल को यहां क्या रहा था, वोल्टेज। हाँ कुछ में, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो 3/2 kT ना हो करके, है ना, कई बार kT होती है, बहुत ज्यादा होती, हाई होती है, जब हम यहाँ kT लेते हैं, है ना, तो यहाँ kT लेने पर, यहाँ 3/2 kT ना हो करके kT लेते हैं, यहाँ kT लेने पर ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाती है, 30.8 / √T। ये कब आती है, जब कई बार एनर्जी है वो 3/2 kT ना होकर के क्या होती है, kT होती है उस टाइम। तो ये आपके समझ में आ गया कि न्यूट्रल पार्टिकल्स और चार्ज पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन ने पढ़ा है। अब अपन देख लेते हैं कि इनको याद कैसे रखें, अब हम देख लेते हैं कि इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखेंगे, इनको याद रखने का लास्ट में जो आया रिजल्ट
उनको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने किसके लिए वेवलेंथ निकाली थी, आपने निकाली थी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के बाद में आपने किसके लिए प्रोटॉन के लिए, फिर आपने किसकी वेवलेंथ निकाली ड्यूट्रॉन की, फिर आपने निकाली अल्फा की, फिर आपने निकाली न्यूट्रॉन की। तो देखो इलेक्ट्रॉन का तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको यहां पे वैल्यू कितनी आती है 12.27 है ना, यहां पे याद रखिए 0.86। और इसमें ऐसे याद रखें है ना डी है ना दो है तो ये 202, और ये अल्फा एक है, ए अल्फा है ना ए एक है, तो ये 101। ये यानी ये और ये में रिलेशन ऐसे याद रखे, मैथमेटिकली डबल नहीं है, वैसे आप याद रखिए कि लगभग ये डबल होता है, लगभग नहीं ये डबल होता है, लेकिन इसमें याद रखना है यहां एक जीरो लगाना है और यहां जीरो नहीं है, है ना। तो ये ऐसे और ये इस तरह से है ना, और ये जो है इसमें यहां पे याद रखिए 25.2। अच्छा इसमें डिवाइडेड बाय रूट वी, डिवाइडेड बाय रूट वी, डिवाइडेड बाय रूट वी है ना, और डिवाइडेड बाय रूट वी, ये न्यूट्रल के लिए डिवाइडेड बाय रूट टी। अच्छा ये जो वैल्यू है कई बार जैसे एनर्जी 3/2 kT ना होकर के kT होती है उस टाइम, कई बार हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उनके कारण, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 30.8 डिवाइडेड बाय रूट टी उस टाइम है ना। तो आप तो खैर वो तो याद रखना ही नहीं, आपको ये ध्यान रखना है क्या ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये एसोसिएटेड विद प्रोटॉन, एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन, और ये अल्फा और ये न्यूट्रॉन, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ये और ये आप ये याद ना रखें ये भूल जाएंगे कि सर ने ये बताया था, ये 101 है ये 202, अल्फा 101 है ना और ड्यूट्रॉन दो है ना डी है ना, तो 202 ये इसका डबल नहीं है। यहां भी देखें यहां जो पॉइंट है वो जीरो के बाद में है जबकि यहां पॉइंट है वो यहां है, तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। यहां ये इंपॉर्टेंट है इसको ना भूलें, इसको ये जो है ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखें। तो ये हो गया, आगे जो एक टॉपिक बचा है वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, उसमें ये सीखेंगे, वो एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया उस एक्सपेरिमेंट में कि किस तरह से पार्टिकल की जो नेचर है वो क्या होती है, वेव नेचर होती है, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे।